फ्रेंड्स, रैपिड फायर के सीजन में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रैपिड फायर चल रहा है अपना। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अपन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स एल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में अपन लिखते हैं इसको, इक्वेशन को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्या करोगे, वन टू आपको दे रखा है, तो आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस टू प्लस वन डॉट टू इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन होगी, कौन सी, फर्स्ट वाली। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड वाली इक्वेशन क्या होगी, सेकंड वाली इक्वेशन निकालने के लिए आप कोई भी एक रूट्स ले लो, एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस टू रूट फाइव या माइनस टू रूट फाइव। सेवन को इधर लाओ तो एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू टू रूट फाइव। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो आप, तो इनको स्क्वेयरिंग करने से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो एक्चुअल में इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्टली आपके पास। ऐसे कैसे ही अपन चलते हैं थर्ड नंबर पे। अगर कंजुगेट रूट हो तो एक्स इजिकल टू माइनस थ्री प्लस फाइव आयोटा, या तो प्लस ले लें या माइनस ले लें, कोई भी एक ले लें। उसके बाद क्या करें, एक्स प्लस थ्री कर दें इजिकल टू फाइव आयोटा कर दें, और बोथ साइड्स में क्या कर दें, स्क्वेयरिंग कर दें। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स, यहाँ हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस वन, एंड ये फाइव का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको इधर लिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 25 और 9 कितना हो गया, 34 इज इक्वल टू जीरो। ये अपनी इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ, आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन करें। फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा, इसका एक रूट्स है ना, इसका एक रूट्स है। तो यहां पे देखें आप, इसके कोफिशियंट क्या है, रियल है, तो दूसरा रूट्स भी क्या होगा, कंजुकेट होगा। तो यहां से क्वाड्रेटिक अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा, यानी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू आयोटा, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फोर, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस फोर। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को इक्वेशन मिली। अब यहाँ पे क्यूब था तो दोनों तरफ अपन एक्स से मल्टीप्लाई कर दे इसको, है ना। तो अपने को देखो ये क्यूब वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो दोनों तरफ मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये मिला मुझे, ये मिला। अब मैं यहां पे देखता हूं, इसको कंपेरिजन करता हूं, तो इसको मैं इसमें ब्रेक करता हूं, तो इसको ब्रेक करता हूं तो एक्स क्यूब ये वाला प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस फाइव एक्स, ये लिखा मैंने, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स लिखा। तो अब मेरे पास क्या था, प्लस का एक्स स्क्वायर था, मैंने माइनस टू एक्स स्क्वायर लिखा, तो प्लस का क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया यहां पर। प्लस का क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो फिर अपन ने क्या लिखा, प्लस का फाइव एक्स लिखा, जबकि यह माइनस एक्स था, तो प्लस फाइव लिखा तो माइनस का क्या होगा, सिक्स एक्स होगा, एंड प्लस का 22। अब वापस देखें अपन, अपनी इक्वेशन थी एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब रहा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो रहा है, प्लस का फाइव एक्स और माइनस का सिक्स एक्स, माइनस का एक्स हो रहा है, प्लस का 22 हो रहा है। तो यहां तक हो गया था। अब देखे फ्रेंड्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी यहां तक चले। अब ये वाली वैल्यू क्या जीरो है, तो ये वाली वैल्यू को तो मैं जीरो कर देता हूं, इसको तो जीरो हो गई क्योंकि ऊपर वाले को देखो ये जीरो। तो मेरे पास क्या बचा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 22, ये बचा मेरे पास। अब ये बचा तो यहां पर देखे अपन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, बहुत सिंपल हो गया, आसान हो गया, थ्री को कॉमन ले ले। जैसे ही थ्री को कॉमन लिया तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 22 बचा, और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स यहां से देखे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इजिकल टू क्या है, माइनस फाइव, माइनस फाइव को यहां पुट करें तो माइनस, सॉरी प्लस थ्री माइनस फाइव प्लस 22, तो ये आपके पास क्या हो गया, 22 माइनस 15 क्या हो गया, सेवन। तो ये आंसर आया आपके पास सेवन, नोट डाउन करें।
आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स वन एक्स टू इसके रूट्स दे रखे हैं। एक्स वन एक्स टू क्या है, रूट्स। इसका मतलब एक्स वन एक्स टू इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये बनेगा ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बनेगा। और मुझे यहां पे फर्स्ट में क्या दे रखा है, ए एक्स वन प्लस बी, तो ए एक्स वन प्लस बी क्या होगा, देखो एक्स वन को कॉमन ले अपन तो क्या बनेगा, ए एक्स वन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। और इस एक्स वन को मैं यहां से उड़ा दू, यहां से गायब कर दू तो नीचे क्या होगा, नीचे एक्स वन बनेगा। तो ए एक्स वन प्लस बी क्या होगा, माइनस सी अपॉन एक्स वन होगा। अब फ्रेंड्स यहां पे जो होगा वैसे वैसे यहां पे भी होगा, क्या होगा, माइनस सी अपॉन एक्स टू। तो ए एक्स टू प्लस बी क्या होगा, सेम वे में ए एक्स टू प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स टू होगा, ये हो गया। अब मैं यहां वैल्यू पुट करनी है मेरे को डायरेक्टली, तो वैल्यू पुट करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला है ना, तो फर्स्ट वाले मुझे क्या मिलेगा, वन अपॉन ये स्क्वायर था ऐसे, प्लस दूसरे में भी वन अपॉन ये स्क्वायर था। अब देखो स्क्वायर में मैं माइनस सी अपॉन एक्स वन लिखूंगा तो यहां पे तो सी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर, ये ऊपर चला गया। यहां पे भी सी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स टू स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सी स्क्वायर एलसीएम आ गया और एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर हो गया, ये बन गया फ्रेंड्स एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर। तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू अपॉन सी स्क्वायर, ये लिखेंगे आप, है ना, ये लिखेंगे। तो एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू यहां से निकल जाएगा माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू क्या है, यहां से देखेंगे सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपॉन सी स्क्वायर। अब बस इसको सोल्व कर ले, आपका आंसर आ गया। ऐसे कैसे सेकेंड वाला सवाल हो जाएगा, सेम वे में आपका सेकेंड वाला सवाल भी हो जाएगा, कैसे होगा देखें। सेकेंड वाले में एक्स वन प्लस बी अपॉन होल क्यूब है, तो वन अपॉन क्यूब है प्लस इसमें भी वन अपॉन क्यूब है, अपने को याद है क्या आया था, सी अपॉन एक्स वन। तो ये क्या होगा, ऊपर हो जाएगा एक्स वन क्यूब, नीचे हो जाएगा सी क्यूब और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स टू क्यूब। देखें आप सी अपॉन एक्स वन था तो सी क्यूब अपॉन क्यूब है तो सी क्यूब अपॉन एक्स वन क्यूब और सी टू क्यूब अपॉन एक्स टू क्यूब अपॉन सी क्यूब, दोनों एड हो गए तो ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि एक्स वन प्लस एक्स टू का होल क्यूब क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन सी क्यूब। आप कहोगे सर आपने कैसे लिखा, तो मैं बताऊंगा आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ये होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखना आपने को यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट इधर लाके क्या कर दो, माइनस इसमें से ए प्लस बी के होल क्यूब में से, यही मैंने किया है। अब ये क्या हो गया, ये वाला हो गया सम ऑफ रूट्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो गया सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी अपॉन ए, तो ये सी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी अपॉन ए, प्लस हो गया बी अपॉन ए अपॉन में सी क्यूब। इसको आप सोल्व कर लें, खत्म काम। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अपने हो गए, नोट डाउन करें। तो आगे देखें फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 गिवन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वन अपॉन एक्स क्यूब और एक्स फाइव प्लस वन अपॉन एक्स फाइव निकालना है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 14। तो क्या होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू भी क्या होगा 14 होगा। तो यहां देखिए आप x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा,
इज इक्वल टू, ये टू उधर जाएगा 16 और स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस 4 होगा। अब चूंकि आपको एक्स ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, गिवन है एक्स ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो आपको पता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वन बाई एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है, ये होता है टू। तो आप क्या करोगे, ये माइनस फोर तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं प्लस फोर एंड माइनस फोर अलग अलग लिखता हूं और माइनस फोर रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है, तो ये तो हो गया रिजेक्टेड। तो अपने पास क्या बचा, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू बचा फोर। अब आपको फ्रेंड्स निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। फॉर्मूला देखें क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वन बाई एक्स एंड एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब यानी फोर का होल क्यूब हुआ, तो ये कितना हो गया 64 माइनस थ्री, एक्स से एक्स गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स हो गया फोर, तो 12 हो गया, तो 64 माइनस 12 क्या हो गया टू एंड ये 52, तो आपका आंसर आया 52। नोट डाउन करें, फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन पे एक्स फाइव प्लस वन अपॉन एक्स फाइव, एक्स फाइव प्लस वन अपॉन एक्स फाइव, तो आप इसको फ्रेंड्स टू पार्ट्स में डिवाइड करें, कैसे, आप इसको पहले ले एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखें, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करके देखें एक बार क्या क्या आता है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया एक्स प्लस, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो वन अपॉन एक्स फाइव आया प्लस, इसको इसको किया तो एक्स फाइव आया, इसको इसको किया तो प्लस वन अपॉन एक्स आया। तो मेरे पास देखो एक्स फाइव प्लस वन अपॉन एक्स फाइव इजिकल टू क्या आता है, इजिकल टू मेरे पास आता है एक तो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब एंड माइनस क्या कर दूं, एक्स प्लस वन बाई एक्स उधर चला जाएगा, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस कर दूं, तो मेरे पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये सब वैल्यूज मेरे पास है, हमने निकाली भी है ये दोनों वैल्यू, तो इसकी जगह इसकी पुट करें, इसकी पुट करें और इसकी भी वैल्यू अपने पास है वो भी पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू आपको सेल्फ पुट करनी है, मैंने सारी वैल्यू आपको निकाल के आपके सामने रख दी।